हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हो? बढ़िया ही होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। अभी ना रात का 9 बजे है, मैं आज कुछ बनाने वाली हूँ। आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि जो उड़द दाल का बड़ी है ना, उसे आज मैं बनाऊंगी। आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। आसे आप लोगों में बताऊंगी। और मैंने तो उड़द दाल को भिगो दिया था। आप चलो देखते हैं मैं कैसे कैसे बनाती हूँ, चलो देखते हैं। हे देखो, यह छिलके वाला उड़द दाल आप चाहे तो बिना छिलके वाले भी ले सकते हो। छिलके वाले को मैंने 6 घंटे पहले भिगो दिया था। उसे बहुत ज़्यादा है ना, 2.5 किलो है। एक साथ साफ नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके साफ करेंगे। 2 भाग में उसे बांट लेंगे, उसके बाद साफ करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। साफ कर, बिल्कुल अच्छे से साफ करने के बाद कर देंगे। करने के बाद थोड़ा थोड़ा हिला हिला कर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे मैं करती हूँ। आप लोगों भी उसी तरह करो। करने से ना बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाती है। देखो, इसी तरह घिस घिस कर उसे साफ कर देना। उस जो छिलका है ना, उससे निकल जाएगा दाल से। निकलने के बाद आप थोड़ा थोड़ा हिला 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 कर छिलके को निकाल लेना दूसरे कटोरी में। और उसके बाद देखो, अभी हिलाऊंगी। हिला हिला कर साफ कर देंगे। देखो, मैं किस तरह थोड़ा धीरे धीरे से हिलाऊंगी। ज़्यादा पानी देंगे नहीं तो छिलका नहीं बाहर आएगी, रह जाएगी अंदर में। उसी तरह आप लोगों भी साफ करना, नहीं तो आप लोग चाहो तो बिना छिलके वाले भी दाल मिलती है, वो भी साफ कर सकते हो। लेकिन ये तो हमारा जो क्या खेत में होती है ना उड़द दाल, हमारे खेत में, इसलिए मैं जो भी करती हूँ, जो भी बन चीज बनाती हूँ उड़द दाल से, वो छिलके वाला ही लेती हूँ। क्योंकि घर में तो होती है ना, क्यों मैं खरीद कर लाऊँ बिना छिलके वाला। इसलिए मैं छिलके वाले ही सबसे यूज़ करती हूँ। ये रात है, मैं रात को साफ कर लिया। साफ करके रख दूंगी तो सुबह मुझे बनाने में आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा रात में ही साफ कर लेती हूँ और सुबह बड़ी डालती हूँ। देखो कितना सारा जो छिलका है निकल गया, और भी निकलेगा। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा निकल लिया, और बाद में मैं साफ साफ करके आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं अभी ऑन कर दिया। देखो, अभी ये सारे मैंने छिलके निकाल लिया। थोड़ा थोड़ा एक एक रह गया है, वो नहीं निकलेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए एक एक रह जाएगा तो चलेगा। और अभी हम उसे एक मिक्सी में पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी देकर, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो पतला पतला सा घुल ही जाए हो जाएगा, खराब हो जाएगी। तो फिर भी मेरा तो पतला पतला भी हो गया है। अभी मैं सारे दाल को पीस लिया। उसमें आप लोगों को नहीं दिखाया, जीरा भी डाला था, जो कितना 25 ग्राम डाला था उसमें। और हींग, बहुत सारे हींग डालना। हींग डालने से, जीरा डालने से बहुत अच्छा खुशबू आती है। बड़ी का टेस्ट दोगुना दोगुना हो जाती है। डालकर, सब चीज़ डालकर आप लोगों पीस लिया था तो जीरा को, और हींग भी डाल दिया। हींग डालने पहले डालकर इसी तरह हिला 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 कर वो जितना भी अभी मैंने पीस कर रखा है वो ज़्यादा हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी। देखो कितना सर, मैंने तो हिला 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 कर, जब पानी में डालोगी वो ऊपर आएगी। मैं आप लोगों को नहीं दिखाया, ऊपर आएगी तब भी जानोगी कि ये हो गया है, बड़ी अच्छा सा बनेगी। मैं अभी बड़ी डाल रही हूँ।
आप लोगों भी इसी तरह पांच डालना है। एक दो आप चाहे तीन तो बड़ा चार छोटा आपके पांच हिसाब से कर छह सकती हो, सात मैं आठ तो उसी तरह बना रही हूँ कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है मुझे, मैंने रसोई भी नहीं किया है हमारे, तो मैं आप लोगों को बताया था मेरा डिनर तो सॉरी मेरा लॉन्च तो 10-11 बजे हो जाती है, अभी तो सुबह का 6 बजा है, मैं सारे छः नहीं अभी 7-7:30 हो गई है, मेरी घर का काम सब खत्म हो चुकी है। देखो अभी मैंने सारे काम सारे दस बड़ी बार क्यों डाल दिया, बड़ी आप लोगों को दिखाया कैसे कैसे बनाई, कैसे बनाई आप लोगों को तो दिखाया। अभी तो नाइट हो गई है, रात हो गई है, और रात में कुछ आज नहीं है आपसे, आप लोगों से बोलने के लिए, बातें करने के लिए। आज तो बहुत थकान हो रही है, क्योंकि सुबह 4 बजे उठा था और सारे काम भी, घर पर भी कुछ ज्यादा काम था आज, हमेशा तो रहती है, फिर आज ज्यादा था, इसलिए थोड़ा थकान हो रही है। आज बड़ी मैंने बड़ी तो बनाया, उसके बाद खाना बनाई, खाना बनाने के बना लिया था, खाने के टाइम में जब मैंने सबको परोस दी थी, उसी वक्त ना हमारे जो बाहर का हमारी जो क्या हमारे घर से बाहर वहां पर एक था क्या, जो धान का जो पेड़ है वो, हाँ ऐसे वो था, उसपे उसमें ना आग लग गई, इतनी जोर से आग लगी थी, बोलो मत। हस्बैंड हमारी आंगन में बैठ जो आंगन में हमारे आंगन में बैठे थे, हस्बैंड और मेरे जेठ और मेरी जो मामा ससुर, वो तीनों बैठ कर बातें कर रहे थे, मैं खाना परोस रही थी, उसके बाद वो आएंगे, मैंने बोला था आप लोग बैठो मैं खाना परोस लूँ, उसके बाद मैं बुलाऊंगी तो आऊंगी, नहीं तो बैठ जाएंगे तो क्यों इतना देर हो रही है, क्यों इतना देर हो रही है, उसी तरह बोलते हैं, इसलिए मैंने बोला कि चलो आप लोग बैठो मैं परोस लूँ उसके बाद बुलाऊंगी। उसी वक्त ना आग लगकर धुआं धुआं हो गया बिल्कुल, हमारे जो स्काई है ना क्या आकाश बिल्कुल हो गया। हस्बैंड दौड़ के गए, क्या हुआ, धुआं धुआं क्या कहाँ से आ रही है, जाने के बाद देखा कि आग लग गई है, इतने जोर से आग था कि उन्होंने इतनी जोर से चिल्लाई कि बोलो मत, मुझे तो बहुत डर लगा, क्या हुआ इतनी जोर से, तो यहाँ पर बैठे थे फिर क्यों इतनी जोर से चिल्लाए, हम सबने दौड़ कर गई, क्या हुआ क्या हुआ पूछे, लेकिन पूछने के लिए भी दिखाई तो दे रहा था कि नहीं आग ही आग लग गई है कहीं पर, देखा तो आग लग गई, सारा सब लोगों को जोर जोर से सब लोग चिल्ला कर बोले बुलाए, सब लोगों को बहुत लोग आ गए, 20-30 लोग आ गए, और पानी ला कर हमारे यहाँ जो चूहा है ना वहां से पानी, कुआ और चूहा और ट्यूबवेल, तो सब सबसे पानी लाकर डाले, पानी लाए सब लोग मिलकर, उसके बाद मोटर चालू कर लिया एक आदमी ने आकर, फिर थोड़ा सा ना आग कम गई दब गई, उसके बाद हम लोग आए खाना खाए, खाने के बाद खाना खाने के बाद मेरे बेटे स्कूल गया था, कोरोना की वजह से थोड़ी देर में 2 घंटे में स्कूल छुट्टी हो गई, बंद हो गई, उन्होंने बुलाया फोन कॉल करके कि आ जाओ बेटे को लेने के लिए, हो गए बेटे को लाने, और वो श्रीनु आने के बाद हम सब लोग मिलकर खाना खाए, और मैंने थोड़ा सो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था, थकान लग रही थी, इसलिए देखो कि किस
तरह मैं दिख रही हूँ, बहुत गंदी। क्या बोलूँ, अभी तो मैंने सारे काम भी, डिनर भी बना चुकी हूँ, अब तो रात हो गई है, डिनर भी बना चुकी हूँ। अभी हम जाएंगे खाना खाने थोड़ी देर में। अभी हमारी जो भगवत गीता है ना, वो पाठ चल रही है, उसके बाद हम लोग जाएंगे खाना खाने। और क्या बात करूँ आप लोगों से, आज कुछ और नहीं है, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग ना मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, इसी तरह देखते रहना, आपके भी प्यार भरा कमेंट्स मुझे देते रहना, ताकि मुझे एक उम्मीद जागे कि मैं नहीं, कुछ लोग मेरी वीडियो को देख रही है, मुझे अच्छा लगेगा। अभी मैं वीडियो को एंड करती हूँ, बाय, टेक केयर।